हेलो दोस्तों, ये है 7 अक्टूबर का प्रीलिम्स फोकस न्यूज़ डिस्कशन। देख लेते हैं पहला न्यूज़। दोस्तों पहला है, बांग्लादेश ने बैक किया चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को, और जो क्या इंडिया के द्वारा बॉयकॉट किया गया था, क्योंकि ऑफ कोर्स वो हमारे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हर्ट करता है, क्योंकि OBOR का जो एक पार्ट है दैट इज CPEC, दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरता है, जो क्या इंडिया का पार्ट है। ठीक है, तो बांग्लादेश ने उसको ज्वाइन कर लिया है, जो कि इंडिया नहीं चाहता था दैट बांग्लादेश ज्वाइन करे। अच्छा, अब बांग्लादेश के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है ना, वो काफी ज्यादा डिप्लोमेटिक है। उन्होंने बोला है, द स्मॉल कंट्रीज नीड्स टू ओवरकम फ्यू लिमिटेशंस बाय वीविंग देमसेल्व्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट सच एज OBOR। मतलब इंडिया को सीधा सीधा, मतलब डायरेक्ट इंडिया के खिलाफ भी नहीं गया, और यू नो OBOR को ज्वाइन भी कर लिया उन्होंने। समझ रहे बात को? तो ये है ना। और OBOR के बारे में अगर देखिएगा दोस्तों, कुछ कुछ फैक्ट्स ये हुए थे, दैट ये 65 कंट्रीज में OBOR का एक्सटेंड फैला हुआ है विथ 70% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। ठीक है, जो क्या मतलब दुनिया के 70% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को काउंट करता है, और कहा जाता है ये चाइना का मतलब सेंटर पीस ऑफ स्ट्रैटेजी है, और साथ ही साथ इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है, जिससे क्या चाइना का फ्यूचर में इकोनॉमी में जो है बहुत मेनी फोल्ड बूम आएगा फॉर श्योर। ये सभी बोल रहे हैं, ठीक है, ऑन एंड दैट इज एक्चुअली फैक्ट। एंड इट एम्स टू रिजुविनेट द एंशियंट सिल्क रूट ट्रेड रूट विच चाइना हैड अर्लियर, राइट? सो दिस वॉज फ्यू ऑफ द फैक्ट्स। नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन के बारे में था, क्योंकि इंडिया ने बोला है कि हमें कुछ ज़्यादा रोल चाहिए, क्योंकि देखिए हमारा जो पीस कीपिंग मिशन में जो हम अपने देश से जो सिपाही भेजते हैं वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बट उन्हें कहाँ डिप्लॉयमेंट करना है, कैसे डिप्लॉयमेंट करना है, ठीक है, तो वो जो मैंडेट जो होता है वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम अगर ज़्यादा भेजते तो हमारे पास कुछ तो पावर दो यार, क्योंकि हमारे सिपाही है ना, वो इंटरनेशनल कैसे, इंटरनेशनल विंग कैसे रेगुलेट कर सकती है, कुछ तो हमारा भी बोलबाला होना चाहिए, ठीक है। तो वही मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बोला गया है दैट इस मैंडेट के प्रोसीजर को डिज़ाइन करना चाहिएगा फिर से, क्योंकि अभी जो करंट सिस्टम जो है इट ऑफ एक्सक्लूडिंग द ट्रूप्स एंड पुलिस कॉन्ट्रीब्यूटिंग कंट्रीज फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग मैंडेट्स इन द इज नॉन सस्टेनेबल। मतलब अभी जो मैंडेट जो दिया जाता है उनको कहां पर भेजा जाए, कैसे भेजा जाए, वो कहीं ना कहीं नॉन सस्टेनेबिलिटी लग रहा है, क्योंकि रिस्क हो जाता है ना, एक रिस्क फैक्टर हो जाता है ना, बाय चांस सोचिए कहीं पे पीस कीपिंग, अफगानिस्तान में पीस कीपिंग मिशन के लिए हमारे सिपाही गए और वहां पे अगर उनको मार दिया गया, ठीक है, तो अगर कुछ इंडियन गवर्नमेंट का भी बोलबाला रहेगा दैट हाँ दैट यू नो कहां पर ट्रूप्स हमारे को, हमारे देश के ट्रूप्स कहां पर डिप्लॉयमेंट हो, तो वो ज्यादा सही रहेगा। समझ रहे बात मैं क्या बोलना चाहता हूं? तो वही जस्ट इंडिया के द्वारा एक वॉइस कंसर्न रेज किया गया है, ठीक है। अब यूनाइटेड पीस कीपिंग मिशन के बारे में अगर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देखने तो वो देख लीजिए दोस्तों, ये 1948 में आया था, और पहला मिशन जो मतलब कैरी आउट किया गया था यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज के द्वारा, वो अरब इजरायली वॉर जो 1948 में हुआ था तब था। एंड ये तीन बेसिक प्रिंसिपल में इसका काम करता है बेसिकली यूएन पीस कीपिंग मिशन, कंसेंट ऑफ पार्टीज, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन यूज ऑफ फोर्सेज एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस एंड डिफेंस ऑफ द मैंडेट, ठीक है। और द यूएन पीस कीपर्स आर लेड बाई, देख लीजिए ये कुछ कुछ बहुत ज़्यादा फैक्ट्स है दोस्तों, इनको नोबेल प्राइज भी मिला है 1998 में, और इनको ब्लू बेरेट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनका अगर यूनिफॉर्म देखिएगा सारा ब्लू कलर का होता है ऑलमोस्ट, ठीक है, तो इसीलिए भी इनको ब्लू बेरेट्स कहते हैं। और हाँ यही है दोस्तों, यही कुछ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स है। नेक्स्ट इज RBI पैनल पुशेज न्यू रूल्स। देखिए RBI का जो एक पैनल संगठन किया गया था, जहाँ पर पता किया गया था दैट RBI जो रेपो रेट जो घटाती है ना, वो कमर्शियल बैंक को भी नॉर्मल जनता को घटा लेना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है। देखिए कुछ कुछ फिगर भी दिए हुए हैं दैट RBI जो है 2015 से अगस्त 2017 तक मतलब 200 बेसिक पॉइंट अपने रेपो रेट में कटौती किया है, बट वहीं पर बैंक्स ने उतना ज़्यादा नहीं किया, बैंक्स को देखा गया, कमर्शियल बैंक को सिर्फ 120 बेसिक पॉइंट को यू नो ट्रांसफ़र किया गया जनता में, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना यार, 200 किया तो एटलीस्ट थोड़ा बाजू में कर लो यार, 190 या 180 करो, है ना, या फिर ऐसा तो है दैट 200 ही करना चाहिए या फिर 200 से ज़्यादा करना चाहिए, बट वैसा क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि बैंक को प्रॉफिट मार्जिन देखना है अपना, ठीक है। अब बैंक वो भी गलत नहीं है यार, ऑफकोर्स वो कमर्शियल विंग है तो वो अपना फ़ायदा कमाने का कोशिश करेगी, उनको भी प्रॉफिट देखना है, ठीक है, बट एनीवेज वो बोल रही है दैट हम कम से कम यू नो प्रॉफिट कमाने का ये जरिया है, मतलब बैंक ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती है और नॉर्मल लोगों को वो प्रॉफिट नहीं मिल रहा है जो कि RBI बैंक को ट्रांसफर कर रही है, समझ रहे बात। इसलिए पैनल ने कुछ कुछ सजेस्ट किया है दैट कुछ कुछ मेजर्स हमें अपनाना चाहिए जिससे RBI जो ये बेसिक पॉइंट जो घटाती है रेपो रेट वो
नॉर्मल जनता तक भी ट्रांसफर हो सके। ठीक है, तो वही पॉइंट्स कुछ कुछ देखिए, बहुत सारा फैक्चुअल पॉइंट्स है, अगर आप बैंकिंग का तैयारी कर रहे हो तो जरूर कीजिए, ठीक है, बट थोड़े मोड़े पॉइंट्स अगर आप कुछ देख सकते हो, दैट बैंक्स इज नॉट विलिंग एडजस्ट द की क्राइटेरिया यूज टू सेट देयर लेंडिंग रेट्स वंस अ क्वार्टर रादर देन करंट वंस अ ईयर। अभी एक साल में यू नो लेंडिंग रेट को एडजस्ट किया जाता है, मतलब कुछ कुछ क्राइटेरिया उसमें सेट किया जाता है, ठीक है, उसी को बोल रहा है क्वार्टरली करो। ठीक है, तो क्वार्टरली करोगे तो यू नो ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा एक्चुअली में, ठीक है, और यही कुछ कुछ देखिए बहुत सारे फैक्ट्स है यार, ये फैक्ट्स उतना याद करने का जरूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिर्फ, क्योंकि ऐसे इतने भीतर में फैक्ट्स नहीं पूछे जाएंगे मेरे भाई, ऊपर से ही पूछा जाता है यूजुअली, ठीक है, तो मतलब आप जस्ट ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर बाई चांस अगर कुछ मेंस में भी आंसर आ गया तो आप फोल्डर में भी जिससे इंक्लूड कर सको, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है इंडिया यू ज्वाइंट स्टेटमेंट ड्यूरिंग 14th इंडिया यू, इसका मतलब यहाँ पे अभी 14th इंडिया और यूरोपियन यूनियन का समिट कंडक्ट किया जा रहा है, तो वहाँ पर कुछ कुछ ज्वाइंट स्टेटमेंट निकाल रहे हैं जो कि अब यू नो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रिलेशंस के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इनकॉर्पोरेट करो अगर सारे पॉइंट्स अपने आंसर्स में तो ऑफकोर्स वैल्यू एडिशन तो देता ही है यार, है ना। तो दोस्तों मतलब जो जो रेड में मैंने लिखा हुआ है ना उसको ध्यान में दीजिएगा, ज़्यादा ऊपर से देखने का ज़रूरत है नहीं, वैसे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स थे बट मैंने कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है और जो यूजुअली दिखता नहीं है पेपर में वो सब मैंने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश किया है। जैसे दोनों ने कमिटमेंट किया है दैट हम लोग शेयर्ड प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ जो दोनों देश के कंट्रीज़ का है, जैसे डेमोक्रेसी, फ्रीडम, रूल ऑफ लॉ, रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट, तो इस संदर्भ में हम लोग दोनों मिलकर काम करेंगे। साथ ही साथ इंडिया यू एजेंडा फॉर एक्शन 2020 जो क्या एक रोड मैप है हमारे बायलैटरल कोऑपरेशन का, उसके अंतर्गत हम लोग काम करेंगे म्यूचुअल बेनिफिशियल मैनर में जो भी हो सके, जिससे कि हमारा ट्रेड कोऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट या फिर यू नो और भी अलग अलग इश्यूज जैसे रीजनल इश्यूज, क्लाइमेटिक चेंज, माइग्रेशन, रिफ्यूजी क्राइसिस, तो ये सब सारे रीजन में हम लोग मिलकर म्यूचुअली बेनिफिशियल बातों में बात करेंगे। क्योंकि अगर देख लीजिएगा यूरोपियन में भी यूएस एशियन रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ था, अभी यहाँ पर भी म्यांमार वाला क्राइसिस चल रहा है हमारा, ठीक है, रोहिंग्या मुस्लिम्स वाला, ठीक है, तो ये सब में मिलवाट के बातचीत किया जाएगा। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग इंगेजमेंट हमें दिखाना है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक्स से, क्योंकि वहाँ से की सेक्टर में हमें यू नो मदद मिल सकता है, जैसे क्लाइमेट चेंज और रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में यू नो फंडिंग की सहायता मिल सकती है इंडिया को, ठीक है। अच्छा, और इंडिया और यू का जो कॉपरेशन रहेगा वो मल्टीलैटरल फोरम में रहेगा, साथ ही साथ कमिटमेंट दोनों ने किया है टुवर्ड कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन और साथ ही साथ दुनिया में पीस प्रिवेल करना, क्योंकि टेररिज्म एक ऐसा चीज़ है जो क्या दोनों देश जैसे यूरोपियन यूनियन और इंडिया दोनों टेररिज्म में कहीं ना कहीं संलिप्त है, मतलब टेररिज्म के शिकार है, ठीक है। साइबर स्पेस में दोनों ने काम करने का बात किया, जिससे ओपन, फ्री, सिक्योर, स्टेबल, पीसफुल एंड एक्सेसिबल साइबर स्पेस मिल सके दोनों देश, मतलब दोनों देशों को, नेशंस को इनफैक्ट, है ना, देश तो उसको नहीं बोल सकते, उसको नेशन बोल सकते हैं क्योंकि वो बहुत देशों का समूह है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रांगली कंडेम द रिसेंट टेररिस्ट अटैक जो कि अभी हुआ है हमारा यूएस में, ठीक है, लॉस एंजलिस में हमने पढ़ा था जो। साथ ही साथ एक नया दोस्तों पॉइंट था पासेक्स के बारे में, है ना, ये मैंने तो पहले नहीं पढ़ा था, शायद आपने पढ़ा होगा। तो पासेक्स है बिटवीन ईयू का नवल फोर्स और इंडिया का नेवी, ठीक है, दोनों जॉइंट एक्सरसाइज सोमालिया के कोस्ट में कैरी आउट कर रही है, तो इसका नाम है पासेक्स, ध्यान रखिएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट था इसलिए, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा था, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग स्पेस कॉपरेशन में भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, और अफगानिस्तान एक बहुत अच्छा इशू है जो क्या दोनों के जॉइंट स्टेटमेंट में उठाया गया था, और साथ ही साथ बोला गया था हम लोग कोशिश करेंगे दैट वहाँ पे कैसे नेशनल पीस और रिकॉन्सिलेशन प्रिवेल हो सके, ठीक है। और साथ ही साथ अफ्रीका के साथ भी कॉपरेट करने के बारे में बात हुई थी इस फोरम में, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रिड्यूसेस जीएसटी रेट्स ऑन 27 आइटम्स गिव रिलीफ टू द ट्रेडर्स एंड एक्सपोर्ट्स। दोस्तों देखिए वैसे ट्रेडर्स ऑन एक्सपोर्ट्स जो क्या बेसिकली 90% ऑफ द टैक्स पेयर्स बेस काउंट होते हैं, उनके लिए कुछ कुछ रिलीफ दिया गया है सरकार के द्वारा, ठीक है। और बोला गया है दैट बिजनेस वैसे बिजनेसमैन जो क्या जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, ठीक है, उनको टैक्स में कुछ कुछ कटौती मिलेगी, ठीक है। उनको जो अभी मंथली फाइलिंग करना पड़ता था वो नहीं करना पड़ेगा, आप अगर चाहो तो क्वार्टरली भी अपना टैक्स फाइल कर सकते हो। साथ ही साथ उन्होंने बोला दैट ई वॉलेट एक निकाला जाएगा जो कि अब मेनली एक्सपोर्टर फोकस रहेगा, है ना, और साथ ही साथ 90% ऑफ द टैक्स पेयर्स विल बेनिफिट बाय दिस चेंज। और हाँ, कुछ कुछ फैक्टर मतलब दिए भी हैं दैट कहाँ कहाँ सरकार ने चेंज किया है, कहाँ का रिड्यूस रेट कर दिया सरकार ने इन गुड्स एंड सर्विसेज, दोज आर नमकीन, अनब्रांडेड आयुर्वेदिक मेडिसिन, हैंडमेड यार्न, आईसीडीएस फूड पैकेजेस, आईसीडीएस मतलब कमेंट में लिखो,
ककड़ा चपाती वेस्ट ऑप्टेन, ककड़ा चपाती ये तो लग रहा है गुजराती डिश होगा यार, कोई मुझे पता नहीं. एनीवेज नेक्स्ट इज वेस्ट ऑप्टेन फ्रॉम रबर प्लास्टिक पेपर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, और इसमें बोला गया सबको 5% टैक्स स्लैब में लाया गया. ठीक है, क्यों यहाँ पे कुछ कुछ 18% 15% भी थे. ठीक है, तो उनसे घटाकर सीधा 5% पे लाया गया है. नेक्स्ट है आधार नाउ अ मस्ट फॉर पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स पीपीएफ दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड केवीपी दैट इज किसान विकास पत्र. देखिए मतलब ये सब में पहले अभी तक आधार मस्ट नहीं था, ठीक है ऑप्शनल था, बट अभी इनमें भी मस्ट कर दिया गया है क्योंकि ऐसा देखा जाता है दैट लोग जो है टॉक टैक्स को अपना डॉज करते हैं ये सब किसान विकास पत्र और पब्लिक प्रोविडेंट फंड का कुछ कुछ स्कीम्स खरीद कर. ठीक है, तो जिससे लोग टैक्स को डॉज ना कर सके इसलिए सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है दैट सब तरफ से रास्ते बंद कर दिया जाए. ठीक है, तो इसी के तरफ ये एक सरकार का स्टेप है. इसके तहत बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ आधार को मैंडेटरी कर दिया गया और सारे पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स पीपीएफ और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम और किसान विकास पत्रास के प्रॉस्पेक्ट्स में. और देखिए अभी जो आप नया अगर ये सब खरीदिएगा तब तो आपको आधार वेरिफिकेशन करवाना ही पड़ेगा, बट ऐसा है ना दैट पहले से भी कुछ कुछ के कुछ कुछ लोगों के खरीदे हुए रहेंगे ये सब चीज़ है ना, तो वो लोग क्या कर सकते हैं ना, उन लोगों को भी आधार देना पड़ेगा है ना. और उनका टाइम फ्रेम भी दे दिया सरकार ने दैट 31 दिसंबर के अंडर आपको इसको डिपॉजिट करना पड़ेगा. तो ये कुछ कुछ फैक्ट थे. नेक्स्ट इज हाइपरटेंशन हाई इन केरला एंड लो इन बिहार. देखिए दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सर्वे मुझे लगा जो कि इंक्लूड करने का मैंने सोचा. ये पहले पिक्चर देख लीजिए, ठीक है. स्टेट्स बहुत सारे स्टेट्स का सर्वे किया गया और वहाँ के हेल्थ डिफेक्ट्स को पाया गया है. ठीक है, और ये सर्वे जो है इसका नाम है डाइट एंड न्यूट्रिशन स्टेटस एंड अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया जो कि कंडक्ट किया गया था 2015-2016 को. यहाँ पे हाइपरटेंशन के सेक्टर में देखा गया केरला में बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन है. उसी सेक्टर में अगर बिहार में देख लीजिएगा लोगों को हाइपरटेंशन का बीमारी बहुत कम है. ठीक है, और देखिए ये जो है ना वॉयलेट कलर का ये है वोमेन के लिए और ये कलर का ब्लू कलर का मेन के लिए. ठीक है, तो केरला में रेशियो बहुत ज़्यादा है, बिहार में बहुत कम है. डायबिटीज़ का भी सेक्टर देख लीजिएगा तो पुडुचेरी में बहुत ज़्यादा है, मध्य प्रदेश में बहुत कम है. कोलेस्ट्रॉल का देख लीजिएगा तो केरला में बहुत ज्यादा हाई है रिस्पेक्टिवली टू उत्तर प्रदेश. ठीक है, अर्बन मैन स्मोकिंग टोबैको देख लीजिएगा तो वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा है, बिहार में बहुत लोएस्ट है. ठीक है, और क्या बोलते हैं अल्कोहल कंजम्पशन देख लीजिएगा तो अंडमान निकोबार में बहुत ज्यादा है ना, और गुजरात में बहुत ज्यादा कम है. ठीक है, तो यहां से आपको क्या क्या डेटा मिलता है पहले तो ये बताओ. एक तो डेटा मिला दैट केरला वैसे तो बहुत ज्यादा डेवलप्ड स्टेट है बट डेवलप्ड स्टेट में कहीं ना कहीं देख रहे हैं दैट ये सब सेक्टर में जैसे कोलेस्ट्रॉल हाइपरटेंशन इस रीजन में केरला काफी ज्यादा ग्रसित है. ठीक है, अच्छा बिहार का भी एक बहुत अच्छा आपको फिगर मिल गया दैट बिहार भले ही सब जगह में पिछड़ा हो लेकिन हेल्थ फैक्टर में जो है बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है. ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ फैक्ट्स है और कुछ कुछ यहाँ पर भी लिखा हुआ था लाइक हाइपरटेंशन हाई इन केरला और लोएस्ट इन बिहार, इसको कंपेयर किया गया. साथ ही साथ आर्टिकल में दिया गया था दैट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बढ़ती क्यों है, क्योंकि लोगों के फूड हैबिट सेडेंटरी बिहेवियर और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण है ना. और हाँ तमिलनाडु कर्नाटक आंध्र प्रदेश केरला वेयर अमंग द टॉप 6 स्टेट्स जहाँ पर टोबैको स्मोकर्स अमंग अर्बन मैन वेयर फाउंड हाइएस्ट. ठीक है, सो दीज आर फ्यू ऑफ द मतलब फैक्ट एंड फिगर्स है, उतना रटना नहीं है, एक दो बार देख लीजिएगा ना तो यू नो ऊपर ऊपर से सही हो जाएगा. ठीक है, ये फिगर सब देख लीजिए, ये फिगर क्योंकि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बहुत फायदेमंद होता है ना. चलिए नेक्स्ट है नोबेल प्राइज इन पीस. दोस्तों पीस का नोबेल प्राइज इस बार मिला है इस ऑर्गेनाइजेशन को जिसका नाम है इंटरनेशनल कैंपेन फॉर एबॉलिश ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. नाम से ही आपको पता चल गया होगा यार क्या है. ठीक है, तो ये ग्लोबल सिविल सोसाइटी कोएलिशन है जो क्या प्रमोट करती है एडेरेंस टू फुल एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रीटी ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स जिसको 2007 को लॉन्च किया गया था. और अभी एज ऑफ नाउ जो है ये 101 कंट्रीज में इसका हेडक्वार्टर तो नहीं मतलब ऑफिस है एंड इट काउंट्स फॉर 468 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन. और इसको क्यों मिला है नोबेल प्राइज 2017 का, क्योंकि दे हैव वर्क टू ड्रॉ अटेंशन टू द कैटास्ट्रोफिक ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड फॉर दिस ग्राउंड ब्रेकिंग एफर्ट टू अचीव अ ट्रीटी बेस्ड प्रोहिबिशन ऑफ सच वेपन्स. ठीक है, समझ जाइए इतना तो इंग्लिश सबको आता होगा. ठीक है, तो ये था दोस्तों नोबेल प्राइज के बारे में. हाँ आज का न्यूज़ दोस्तों यहीं पर खत्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस. थैंक यू.